ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ज्ञानलक्ष्मीघनाश्लेषप्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मान्य आचार्य शुभचंद्र देव विरचित यह ज्ञानारृढ़ ग्रंथराज के स्वाध्याय में आपको निरंतर धर्म ध्यान करने के लिए एक चिंतन दिया जा रहा है संस्थान विषय धर्म ध्यान का यह प्रकरण चल रहा है जिसमें तीन लोक में कहाँ पर क्या व्यवस्थित है ये आपको बताया जा रहा है अधो लोग मध्य लोक के बारे में बता करके यहाँ पर लोक के जो देव हैं उन देवों का कैसा रहना होता है क्या उनके निवास स्थानों की सुंदरता होती है क्या उन देवों की विशेषताएं होती हैं ये सब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताया जा रहा है कल आप लोगों ने यह भी सुन लिया था कि वह देवों की सात प्रकार की सेनाएं होती हैं और वे सब सेनाएं एक से एक बढ़कर के होती हैं उसी के आगे कुछ यहाँ पर देवों के साथ देवियों का भी वर्णन किया गया है अब आप जानते ही हैं जहाँ पर देवों की सुंदरता होती है तो वहाँ पर देवियों की सुंदरता भी कम नहीं होती है और जितनी सुंदरता आप समझ सकते हैं उतनी आप अपने मन में कल्पना कर लेना उसका वर्णन करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं देवियों की सुंदरता के विषय में भी यहाँ पर कहा गया है कि वो सभी प्रकार के श्रृंगार रस संपूर्ण है ना जो देवियों की मुख्य विशेषताएँ है होती हैं कि वह <coughs> श्रृंगार के रस से भरी हुई होते हैं लावण्य वन दीर्घ का और सब प्रकार के लावण्य से सौंदर्य से सुशोभित होते हैं इस तरीके की देवियों के बारे में भी वैसे ही समझना जैसे आप मनुष्यों में स्त्रियों के बारे में चिंतन करते हैं क्योंकि वह देव और देवियों की रचना तो मनुष्य की आकृति के समान ही होती है किंतु सौंदर्य और सब तरीके की विलासता यहाँ से कई गुना वहाँ पर उनको सहज रूप में प्राप्त होती है तो ऐसे वह श्रृंगार रस की भूमि गीत और अनेक प्रकार के बाज़े आदि विद्याओं को बन, मतलब बजाने में कुशल और अनेक तरीके के हाव-भावों से परिपूर्ण वहाँ पर देवियों के स्वभाव स्वभाव से ही होते हैं और इस तरीके के स्वभावों से युक्त तो उन देवियों के साथ में जो देव रहते हैं वो कैसे होते हैं उनका भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है आज आप श्लोक नंबर 111 से भावार्थ के रूप में आगे का विषय सुनते रहेंगे तो आगे 115 नंबर के श्लोक में देवों का वर्णन किया जा रहा है कि वहाँ पर जो रहने वाले देव होते हैं आपके दिमाग में एक ऐसी फिगर बन जानी चाहिए कि आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि देव किस तरीके के होते हैं और देवों के विषय में जो यहाँ बताया जा रहा है वह उनका वास्तविक स्वरूप बताया जा रहा है देव कभी भी विकृत आकृति के नहीं होते जैसा कि आप लोग मान बैठते हैं अपने लिए किसी भी तरह की ऐसी सोच बना लेते हैं कि कुछ देव ऐसे भी होते हैं जो तरह तरह की है ना मुख की विकृत आकृति रखते हैं और तरह तरह से आप लोगों को डराते हैं ऐसी कोई भीषण विकराल आकृति वाले देवों का स्वरूप मूल नहीं होता यदि वह कभी ऐसा करेंगे भी तो वह उनकी विक्रिया होती है उनके पास विक्रिया करने की शक्ति होती है तो वह आपको डराने के लिए कुछ भी रूप बना सकते हैं लेकिन उनका जो ओरिजिनल रूप रहता है वो तो सुंदर होता है और वह सभी देव सभी प्रकार के जो शरीर में अवयव होते हैं उन सभी अवयवों को धारण करने वाले होते हैं माने कोई भी विकलांग नहीं होता है अनेक प्रकार के दिव्य लक्षणों से वह लक्षित होते हैं उनके शरीर ऐसे होते हैं जैसे समझो कि कामदेव का शरीर होता है अत्यंत सुंदर मनोहर बहुत धीर होते हैं है ना धैर्यवान होते हैं हमेशा प्रसन्न दिखने वाला उनका शरीर होता है और उनका जो शरीर की सुंदरता है वह भी निरंतर ऐसी फैलती हुई दिखाई देती है कि कोई भी देव की सौंदर्य में कभी कोई कमी जीवन पर्यंत तक नहीं आती है। उनके शरीर में आभूषणों के रूप में हार होते हैं कुंडल पहनते हैं केयूर कहलाते हैं जो भुजबंद होते हैं यहाँ पर बांधे जाते हैं जैसे राजाओं को देखे होंगे आपने ऐसे भुजबंद केयूर कहलाते हैं किरीट मुकुट आदि होते हैं और जो अंगद कटक आदि होते हैं ये सब आभूषण जो कमर आदि में बांधे जाते हैं इन सब आभूषणों से वह शहीद होते हैं अनेक प्रकार के मंदार मालती है ना ऐसे पुष्पों के समान जिनके शरीर में से हमेशा सुगंध आती है है ना? हमेशा उन देवों के वैक्रिय शरीर में से सुगंध आती है और वह जो अड़िमा महिमा लघिमा गरिमा आदि आठ प्रकार की रिद्धियाँ या शक्तियों के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं वो हर देव इन आठ प्रकार की रिद्धियों से सहित होते हैं चाहे वो देव छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे इंद्र हो चाहे इंद्र का सेवक हो सबके पास में ये अड़िमा आदि ऋद्धियाँ अवश्य होंगी लेकिन वह किसी के पास में अधिक शक्ति वाली होंगी किसी के पास में कम शक्ति वाली होंगी है ना जैसे आपके पास में किसी के पास केवल नोकिया का मोबाइल होता है बस केवल कॉलिंग के काम में आता है और किसी के पास सैमसंग का होता है तो वो सब उसमें हो जाता है वीडियो कॉलिंग हो जाती है सब तरीके के इंटरनेट से जुड़ जाते हैं तो सब तरीके के जैसे आपके पास साधन अलग अलग तरीके होते हैं ऐसे उनके पास भी अपने अपने पुण्य से शक्तियाँ भी कमती बढ़ती मिलती हैं लेकिन मिलती सबको <laughs> उनका जो शरीर है हमेशा निर्मल चंद्रमा के समान सुंदर हमेशा स्त्रियों को अच्छा लगने वाला और तीन प्रकार की शक्तियाँ उनके पास में होती हैं जो कही जाती हैं प्रभुत्व शक्ति मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति है ना हमेशा उनका जो है प्रभुत्व बना रहता है हमेशा उनके पास में मंत्रणा करने वाले मंत्री आदि लोग होते हैं और उत्साह उनके अंदर निरंतर बना रहता है ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग अनेक प्रकार के वैभवों में रह कर के भी कभी कभी ऐसा सोचने लग जाते हो अब क्या करें थक गए हैं कहाँ जाएँ क्या करें क्या भोगें समझ आ रहा है तो आपको भी सुख प्रदान करने के लिए अलग से इंजेक्शन देना पड़ता है तो ऐसा उनको अलग से इंजेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इंजेक्शन मतलब तरह तरह से आपको मोटिवेशन देना पड़ता है कि भाई जो भी मिला है उसको ढंग से पूर्वक भोगो तो उन्हें वहाँ पर निरंतर उत्साह आदि ये सब गुण प्राप्त रहते हैं हमेशा वह सत्य के साथ में जीते हैं शील भी उनके लिए कहना चाहिए अच्छे स्वभाव वाला ही उनका सब कुछ भाव विचार रहता है क्योंकि उन्हें जो मिला होता है वह उसी में संतुष्ट होते हैं और किसी दूसरे के वैभव को देख कर के क्वचित कदाचित अगर किसी के अंदर ईर्ष्या आ भी जाती है तो कोई बात नहीं लेकिन किसी को हड़प नहीं सकते इसलिए वहाँ पर किसी के लिए कोई हड़पने वाली कोई बात नहीं होती है तो वहाँ पर सभी अच्छे ज्ञान वाले होते हैं प्रवीणता विनय आदि से संयुक्त होते हैं और स्वर्ग में रहने वाले इस प्रकार से देव सब स्वभाव से ही अच्छे शरीर से भी अच्छे और स्वभाव से भी अच्छे सुंदर हुआ करते हैं ऐसे उन स्वर्गों में कोई भी जो देव है ना तो कभी वहाँ पर कोई देव दुखी दिखाई देगा ना कभी कोई देव वहाँ पर दीनहीन दिखाई देगा न कभी आपको लाठी टेकता हुआ कोई बूढ़ा जैसा दिखाई देगा जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही हों दांत निकल गए हों ऐसा कुछ नहीं होता और वहाँ पर कोई भी है ना विकलांग दिखाई नहीं देगा कांतिहीन किसी का शरीर दिखाई नहीं देगा ऐसे देवों के मुख्य रूप से जो वहाँ पर ये वर्णन है जो आपके लिए यहाँ से बताए जा रहे हैं उन स्वर्गों में रहने वाले जो सभा के देव होते हैं अगर वहाँ पर कोई विशिष्ट देव इंद्र आदि वहाँ उत्पन्न होते हैं तो उनकी सभा में अनेक प्रकार के सामानिक आदि देव भी होते हैं जिनका वर्णन तत्वार सूत्र आदि के माध्यम से आप लोग समझ लेना अनेक आमात अमात्य आदि जाति के देव होते हैं जिन्हें त्राइस्त्रिंश आदि देव कहते हैं जैसे आपके घरों में आपके घरों में जैसे बड़े कोई भी पिता होते हैं है ना पिता के भी पिता होते हैं जो आपके लिए हमेशा सहयोग करने के भाव में रहते हैं इस तरीके की भी वहाँ पर देवों के साथ में रहने वाले अन्य देवों की व्यवस्थाएं होती हैं कुछ विशेष सलाहकार होते हैं अच्छे अच्छे मंत्री होते हैं हमेशा जो है लोकपाल आदि देव भी होते हैं जैसे आपके पास में खजांची होते हैं कोषाध्यक्ष होते हैं ऐसे वहाँ पर भी रहने वाले देवों में इस तरीके के सब बंटवारे होते हैं तो ये दस प्रकार के बंटवारे उन देवों को मिलते हैं जो वहाँ के इंद्र बनते हैं है ना इंद्रों के पास ये सामान्य त्रायस्त्रिंश आदि ये अनेक तरह के भेदों वाले अनेक देव होते हैं और ये सब उनके परिवार देव कहलाते हैं और इन सब परिवार देवों के माध्यम से वहाँ पर अगर कोई इंद्र के रूप में जन्म लेता है तो उसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है तो यहाँ पर आपको जो वर्णन बताया जाने वाला है वो उसी का बताया जाने वाला है जो जैसे सौधर्म स्वर्ग का कोई इंद्र बनने वाला हो है ना तो उस इंद्र का वहाँ पर किस तरीके से स्वागत होता है किस तरीके की वहाँ पर व्यवस्था मिलती है उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको इंद्र के माध्यम से वहाँ का सारा वर्णन बताया जा रहा है अनेक प्रकार के देवों की सेनाएं होती हैं उनमें भी विशेष रूप से कुछ ऐसे बंदीजन होते हैं नृत्य गान करने वाले होते हैं अंगरक्षक भी होते हैं नाचने वाले विशेष देव भी होते हैं देवियां भी होती हैं अप्सराएं अलग होती हैं इस तरह से एक देव की सेवा करने वाले सुन रहे हो असंख्यात देव देवियां होते हैं जो वहां का अगर कोई सौधर्म इंद्र आदि जो देव बनते हैं उनको इस तरीके के वैभव मिलते हैं जो वैभव अन्य देवों को भी प्राप्त नहीं होते हैं तो वहाँ स्वर्गों में उनके विमानों में इतना कोमल स्थान होता है जहाँ पर वो उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं उपपाद सैया क्या बोलते हैं उपपाद सैया कुंद के जैसे सफ़ेद फूल होते हैं कोमल ऐसे फूलों के समान वह कोमल सैयाह पर वह ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं कि जैसे कोई सोकर के आदमी उठता है ऐसे हुए देव उस सैया पर से उत्पन्न हो जाते हैं एक अंतर मुहूर्त के अंतर अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं जैसे नरकों में एक अंतर मुहूर्त में हो जाता है वैसे एक अंतर मुहूर्त में यहां हो जाता है अब आप नरकों का वर्णन भी ध्यान में रख करके यहाँ देखोगे तो उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा समझ आ रहा है नरकों में जितना एक्सट्रीम दुख हो सकता है वो वहां था और यहां पर जितना एक्सट्रीम रूप से किसी भी प्रकार का सुख हो सकता है वो सब यहाँ पर आपको उपलब्ध होगा तो उन स्वर्गों में जिनका जन्म होता है वे सभी उत्पादशैया पर ही जन्म लेते हैं उपपाद शैया एक ऐसे कोमल स्थान होते हैं जहाँ पर वह जीव बिना किसी बाधा के स्वयं ही अंतर मुहूर्त में अपना शरीर बना करके और बिल्कुल नव यौवन शरीर जैसा होता है ऐसा नहीं कि जहाँ पर बच्चों की तरह पहले रेंगना पड़ता है दो साल तक समझ आ रहा है फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं फिर घुटनों के बल चलते हैं तब जा कर के नौ महीने गर्म में रहते हैं ऐसे वाले वहाँ पर जन्म नहीं होते हैं वहाँ पर तो एक अंतर मुहूर्त में सीधा युवा की तरह बनकर के बैठ जाता है उपपात सैया पर और वह उत्पात सैया का स्थान समस्त इंद्रियों को सुख देने वाला होता है बहुत ही रमणीक होता है हमेशा वहाँ पर जिस देव का वहां पर जन्म होगा एकदम से उत्सव का वातावरण रहता है समझ आ रहा है ऐसा नहीं कि मतलब बर्थडे मनाने के लिए जो है अगली साल बर्थडे मनाई जाएगी समझ आ रहा है जैसे ही जन्म हुआ उसी समय पर ही वहाँ पर उत्सव का वातावरण रहता है ऐसा नहीं कि भाई आज जन्म हुआ है तो अब अगली साल जो है उसका जन्मोत्सव उस मनाया जाएगा या एक महीने बाद जन्मोत्सव मनाने की तैयारी करेंगे ऐसा नहीं होता जिस समय पर जन्म हो रहा है उसी समय पर गीत वादित्र अनेक तरीके की देवों की लीलाएँ वहाँ पर हमेशा चलती रहती हैं और जैसे ही वहाँ पर ये इंद्र आदि ऐसे कोई जीव उत्पन्न होते हैं तो उनके लिए और विशेष रूप से वहां पर प्रबंध रहते हैं और वहां पर रहने वाले आसपास के देव पता रहता है अगर यहाँ पर इंद्र उत्पन्न हो रहा है तो उस इंद्र की आवभगत और ही अलग ढंग से होती है समझ आ रहा है जैसे वो जीव वहां जय उत्पन्न होगा तो वहां पर उसके लिए जय जयकार होगी है ना जयवंत हो जयवंत हो चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो ऐसे शब्दों से वो स्थान व्याप्त हो जाता है ऐसे स्थान पर वहाँ देव उत्पन्न होते हैं जो दिव्य होते हैं सुंदर आकृति को धारण करने वाले होते हैं उनका जो आकार भी होता है वो समचतुरथ संस्थान के रूप में सुंदर होता है उनके शरीर में सप्त तो धातुएं नहीं होती हैं समझ आ रहा है नारगियों के शरीर में तो सप्त धातुएं थी उनका भी शरीर वैक्रियक है लेकिन देवों के शरीर में जो वैक्रियक शरीर होता है उसमें सप्त धातुएं नहीं होती हैं और वह सप्त धातुएं जो रक्त रुधिर मांस इत्यादि के रूप में होती हैं ये सब वहाँ पर उनके शरीर में कुछ भी नहीं होती और उनके शरीर में ऐसी प्रभा कांति निकलती है जिससे दिशाएं भी जगमगाने लग जाती हैं इतना उनके शरीर में लाइट रहती है सुन रहे हो हैं है सा पाउडर क्रीम जिससे शरीर में इतनी लाइट आ जाए और उनका शरीर एक सीरीज का फूल होता है है ना उस सीरीज के पुष्प के समान उनका शरीर कोमल होता है पवित्र जितने भी लक्षण शरीर में हो सकते हैं अच्छे अच्छे शुभ व्यंजन इत्यादि वो सब उनके शरीर में लक्षण होते हैं और जो अड़िमा महिमा आदि रिद्धियाँ वो तो होते ही हैं सभी देवों में अवधि ज्ञान भी होता है और सभी अवधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले होते हैं माने किसी में अवधि ज्ञान कम होगा किसी में ज़्यादा होगा ऊपर ऊपर के स्वर्गों में अवधि ज्ञान अधिक अधिक होता चला जाता है लेकिन वो अवधि ज्ञान सभी देवों को अवश्य प्राप्त होता है मतिक ज्यान, ज्यान के साथ में उन्हें तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान देवों को भी मिलता है और नारकियों को भी मिलता है तो ऐसे वह देवों की जो शरीर हैं, जिनके अंदर कोई भी दोष दिखाई नहीं देते हैं जिनका चित्त हमेशा शुभ दिखाई देता है जो हमेशा अचिंत महिमा से सहित होते हैं संसार का कोई भी क्लेश उन स्थानों पर नहीं पहुंच सकता है जिनका उत्साह निरंतर बढ़ता रहता है जिनका शरीर हमेशा वज्र के समान दृढ़ होता है ऐसी अनेक विशेषताओं को धारण करने वाले वे देव अतिशय पुण्य के प्रभाव से वहां पर उत्पन्न होते हैं। समझ आ रहा है ये सब किससे मिलेगा पुण्य करने से मिलेगा है ना पुण्य कहां से मिलेगा पुण्य अच्छे भावों को करने से मिलेगा अच्छे कर्म करने से मिलेगा जितना आप अच्छे कोमल हृदय से करुणा के दया के धर्म के भाव रखेंगे है ना, जितना आप अपने और दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे जितना आप संतुष्ट और शांत प्रिय होंगे उतना ही आपके अंदर पुण्य का अच्छा बंद होगा और उस पुण्य के फल से ही इस प्रकार के हमें वैभव स्वयं ही मिल जाते हैं समझ आ रहा है अब आप एक बात सोचो यहां पर किसी को कुछ मिला किसी को कुछ नहीं मिला है ना? अब यहां पर किसी को मान लो कुछ नहीं मिला तो क्या वह अपने जीवन में कितनी भी मेहनत करे तो भी उसको कभी कुछ नहीं मिलता ऐसा समझ लो आप कितने ऐसे जीव हैं नहीं समझ आ रहा श्रम करने वाले श्रमिक हैं किसान हैं मजदूर हैं कितने ऐसे जीव हैं जो जिंदगी भर भी मेहनत करते हैं तो भी कुछ नहीं मिलता समझ आ रहा है जिंदगी भर भी मेहनत करते तब भी अपने कभी बंगले नहीं बना पाते महल नहीं बना पाते तो अब वो कब क्या बना पाएंगे कब क्या उनको मिलेगा देखो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है अगर आदमी समझे तो समझ आ रहा है? यहां भले ही अभी हमें कुछ न मिला हो अभी हमारे पास भले ही कुछ ना हो लेकिन अगर आदमी उस दुख को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर दे और उस दुख पर ध्यान ना दे और शांत भावों से धर्म भाव के साथ में अपना जीवन निकाले सदाचार के साथ में अपना जीवन निकाले तो आगे के समय में ये चीजें उसे बिना मेहनत के अपने आप में लेंगी समझ आ रहा है मेहनत से तो कम ही मिलता है बिना मेहनत के ही सबको सब कुछ मिलता है क्योंकि भाग्य ही सब जगह प्रधान होता है क्या समझ आ रहा है कर्म ही सब जगह सब कुछ होता है इसलिए तुलसीदास ने भी शायद लिख रखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस चाखा समझ आ रहा है विश्व में किसकी प्रधानता है कर्म की प्रधानता है कर्म का मतलब हमारा आज का किया हुआ मन वचन काय की प्रवृत्तियों से जो हमारी आत्मा में पुण्य या पाप कर्म बंध जाता है उस कर्म के ही प्रधानता से हमें सब जगह फल मिलता है चाहे वह फल सुख रूप में हो चाहे वह फल दुख रूप में हो तो बड़े बड़े जो सुख मिलते हैं वह भी यहां पर अर्जित किए हुए पुण्य कर्म के फल से मिलते हैं अब आप कभी भी लड़ झगड़ के ऐसे सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे क्या समझ आ रहा है यहां पर भी आप लड़ झगड़ करके किसी की संपत्ति हड़प भी लोगे है ना किसी के लिए कोई धन इत्यादि की चोरी कर भी लोगे कुछ थोड़ा सा बचा भी लोगे कुछ थोड़ा सा किसी का अपने अंडर में कर भी लोगे उससे आपको कोई बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलेगा लड़ रगड़ करके आपको मिल भी अगर कुछ गया तो आप उसे भोग नहीं पाओगे यदि वो आपके पुण्य में नहीं है तो समझ आ रहा है हाँ ये भी एक बहुत बड़ी चीज है अगर आपके पुण्य में वह संपदा नहीं है और कोई आपको जबरदस्ती दे भी दे तो भी आप उसे भोग नहीं सकते हो इतनी बड़ी बात बता रहा हूं आपको क्या समझ आ रहा है भले ही पीएम 20 लाख करोड़ का आपके लिए घोषणा कर दे है ना कितना ही आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए आपको सुख उतना ही मिलेगा जितना आपके अंदर क्षमता है आपकी योग्यता है आपका भाग्य है समझ आ रहा है? हां अगर हम किसी भी ऐसे भाग्यहीन व्यक्ति को किसी ऐसे ऑफिस में बिठाल दें या किसी ऐसा फैक्ट्री के किसी पद पे भी बिठाल दें जहां पर वह बैठ के सब कुछ उसका मालिक भी बन जाए तो भी वह वहां की मालिकियत को सहन नहीं कर सकता उसके पास इतनी बुद्धि इतना भाग्य होना चाहिए कि वह उसको संभाल सके समझ आ रहा है? तो किसी के देने से सब कुछ नहीं मिल जाता है लोग बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं भ्रम में पड़ जाते हैं और बड़ी जल्दी जो है दूसरों के माध्यम से अपने अंदर समझने लग जाते हैं आह बीस लाख करोड़ की घोषणा हो गई है समझ आ रहा है तुम्हें तो क्या मिलेगा जो मिलेगा सब सामने आने वाला है किसको क्या मिलेगा वो कहाँ चला जाएगा बीस लाख करोड़ पता ही नहीं होगा समझ आ रहा है एक एक की जेब में दो दो हजार रुपये भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है तो ये सब तो केवल एक भ्रमणाएं हैं समझ आ रहा है आपको जो मिलेगा वो आपके भाग्य से मिलेगा आपको जो मिलेगा वो आपके ही अपने सदविचार से अर्जित पुण्य के माध्यम से ही मिलने वाला जो भाव होगा वो ही आपको सुख देगा अगर आपके पास में कोई दस हजार रुपए एक्स्ट्रा दे भी दे अगर आपको उसके पास में भोगने की क्षमता नहीं है तो कल ही आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जो एक टेस्ट कराने जाओगे मेडिकल का तो दस हजार रुपये ठुक जाएंगे समझ आ रहा हां तो क्या हो गया दस हजार मिले तो थे आप इसमें खुश हो गए लेकिन आपने यह नहीं देखा कि वो दस हजार एक चेकिंग में ठुक गए चुक गए। समझ आ रहा क्योंकि आपके पास में वो क्षमता नहीं है तो वो क्षमता आप परिश्रम से नहीं कर सकते हो। वो परिश्रम से नहीं आएगी वो क्षमता आती है भीतर के कुछ अच्छे कार्य करने से भीतर अच्छे धर्म करने से भीतर अच्छा पुण्य करने से ये बात समझ लो अच्छे ढंग से दुनिया के लोगों को हाँ जितनी हमारे भीतर क्षमता होगी हमें उतना ही मिलेगा और उतना ही हम दुनिया में उड़ सकते उतना ही हम दुनिया में तरक्की कर पाएंगे जितना हम भीतर से हमारे अंदर पुण्य होगा जितनी हमारे पास में उस पुण्य की पॉजिटिव एनर्जी होगी समझ आ रहा है तो भाग्यहीन को समझ आ रहा है कुछ मिल भी जाए तो भी कुछ नहीं मिलता ऐसा समझ लेना हाँ तो भाग्य का विस्तार करो ऐसी कोई स्कीम निकालो कि लोगों के भाग्य बढ़े समझ आ रहा है ये पैकेजों से कोई लोगों के भाग्य नहीं बढ़ने वाले हाँ, अगर आपके द्वारा उन पैकेजों के माध्यम से लोगों के पास में दो पांच दस हजार बीस हजार रुपए पहुंच भी गए तो भाग्य ही लोग समझ आ रहा है

अपने भाग्य के अनुसार उस जो परिस्थितियां मिली हैं उस परिस्थिति में चलने का भाग्य के अनुसार पुरुषार्थ करने का और भाग्य के ऊपर अपना ध्यान रख के अधिक तृष्णा अधिक लोभ लालस नहीं बढ़ा करके जो व्यक्ति पुरुषार्थ करके संतुष्ट होकर के रहता है उसके लिए भाग्य की वृद्धि होती है समझ आ रहा है तो कुछ ऐसे एजेंडे भी फेंकने चाहिए लोगों के पास तक पहुंचाने चाहिए जिससे उनके भाग्य बढ़े हाँ, भाग्य बढ़ेगा, तो घर बैठे सब कुछ मिलेगा और भाग्य नहीं है तो आप कितने ही हाथ पैर मार लो तो भी कुछ नहीं होने वाला और जिनके भाग्य अच्छे हैं वो घर बैठे भी आज घर से भी सब कुछ कर रहे हैं कमा रहे हैं खा रहे है, सब कुछ अच्छा हो रहा है समझ में आ रहा है तो ये सब चीजें कहां से मिलती हैं अपने भीतर के पुण्य भाव से अर्जित किए हुए पुण्य कर्म से ही मिलती हैं इसलिए पुण्य भाव पर ध्यान दो शुभ भाव पर ध्यान दो इसलिए यहां बताया जा रहा है कि आप इन देवों के सुखों को देख करके ये समझने लग जाएं कि यहां पर जो हमें सुख है वो सब बहुत काम चलाऊ है और वह सुख जो हमको मिल रहा है इस सुख में हम इतने मग्न ना हो जाएं कि हमें जो सुख जिससे मिला है हम उसको भी भूल जाए किससे मिला है हमें हमारे पिछले पुण्य से ही सुख मिल रहा है आज समझ आ रहा है जो भी हमें मिल रहा है हमारे पिछले पुण्य धर्म के कारण से ही आज हमें वर्तमान में जितना भी सुख मिल रहा है मिल रहा है अगर हम उस सुख को भोगने में उस सुख के कारण को ही भूल गए तो यह हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता होगी इसलिए सुख के कारण जो हैं उन्हें ध्यान में रखो और उस सुख का फल देखते हुए उस सुख के कारण पर अगर आपका ध्यान रहेगा तो आप हमेशा अपने आप को व्यवस्थित बना पाएंगे अपना जीवन सही ढंग से चला पाएंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि वे देव जब कोई उस स्थान पर उत्पाद सैया पर उत्पन्न होते हैं तो वह ऐसा लगता है जैसे समुद्र में से कोई एकदम से अचानक से जैसे कोई जीव निकल करके बाहर आ गया हो समझ आ रहा है या किसी एकदम से किसी अंधेरे स्थान में से कोई निकल करके जैसे एकदम से प्रकाश में आ गया हो ऐसे वहां पर सुख रूपी महासमुद्र से तत्काल उत्पन्न हुआ नव यौवन को धारण करने वाला हुए देव वहां पर उत्पन्न हो जाता है चारों ओर वहां पर फूल फलों से भरपूर कोमल कोमल पत्तों से युक्त अनेक प्रकार की अच्छे अच्छे हंस और कोयलों की शब्दों से गुंजायमान वहां का वातावरण उनके जन्म की सूचना देता है कि यहां पर किसी का जन्म हुआ है समझ आ रहा है थाली भी बच जाए घर में बहुत पुण्य समझ लेना है <laughs> और वहां पर अपने आप जैसे ही ये देवों के जन्म होते हैं तो वहां का वातावरण इस तरीके का स्वयं ऑटोमेटिकल निर्मित होता है जिसके माध्यम से वहां पर अन्य देवों को सूचना मिल जाती है कि किसी पुण्यवान का यहां पर जन्म हो गया है अब आप समझ लो पुण्यवान के जन्म की सूचना भी प्रकृति अपने आप कर देती है हाँ और वह जन्म की सूचना भी देवों के पास तक पहुंच जाती है और आप देखते हो कि यहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म होता है तो देवों के पास उनकी सूचना पहुंच जाती है और देवों में भी जो बड़े देव होते हैं उनका जब जन्म होता है तो छोटे मोटे सब देवों के पास में अपने आप सूचना पहुंच जाती है सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब उस उपास सैया पर आकर के खड़े हो जाते हैं उसके आसपास और वह देव जैसे ही वहां पर अपनी आंखें खोलता है तो उसे लगता है ये कहाँ आ गया मैं ऐसे समझ आ रहा है सातवां आश्चर्य क्या वह विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य जैसा उसके दिमाग में आता है सब प्रकार के भ्रमों को छोड़कर के वह बड़ी बड़ी आंखों से सब जगह देखता यह क्या है सुन रहे हो बड़ी आंखें भी भाग्य वालों को मिलती हैं। रहा है।, है हाँ, अच्छे शरीर में आंखों का बड़ा महत्व होता है और बड़ी आंखें भी शरीर की सुंदरता का एक बहुत बड़ा अंग होती हैं। देवों के शरीर में बड़ी-बड़ी होती हैं, जो बड़ी आंखें होती हैं उनके लिए कहा जाता है कान तक फैली हुई आंखें समझ आ रहा है कर्ण पर्यंत लोचना ऐसा लिखा हुआ है कि कर्ण तक उनके जो है मतलब उनकी दृष्टि विस्फारित हो तो वह अपनी आंखें इतनी फैला सके ऐसे सुंदर आंखों वाले वह देव वहां पर विचार करते हैं अरे ये क्या है क्या ये कोई इंद्रजाल है अथवा मुझे कोई स्वप्न आ रहा है समझ आ रहा है अथवा ये कोई माया मय कोई मैं भ्रम देख रहा हूं या कोई मेरे सामने कोई आश्चर्य करने वाला कोई हा? मदारी आ गया है कि कोई आश्चर्य कर रहा है ये क्या चल रहा है मेरे सामने मुझे समझ नहीं आ रहा उसके अंदर एकदम से ऐसा संदेह उत्पन्न होता है कि मैं इतने सुंदर स्थान पर कहां आ गया कौन से स्थान पर आ गया ये मैं कहाँ बैठा हूं सहसा उसके मन में इस तरीके के अनेक तरीके के विचार उठने लग जाते हैं और वह देव विचार करता है ये सारी की सारी एक से एक बढ़िया रमणीक यहां पर जो है वस्तुएं हैं एक से एक सेवा करने वाले यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और जितने भी सराहना करने वाले जितने भी हित की इच्छा करने वाले जितने भी प्रिय और सुंदरता को प्राप्त कराने वाले जो भी लोग हो सकते हैं वो सब हमारे सामने खड़े हैं और इससे हमारा चित्त इतना प्रसन्न हो रहा है आनंद उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सुख के मंदिर में ही बैठ गया हूं और इतना इतना यहां पर उत्सव का वातावरण आनंद का वातावरण बना हुआ है सब प्रकार की रिद्धियों से सहित ऐसे इस, इस स्थान पर बैठकर के वह देव सोचता है कि मैं कहाँ आ गया हूं यह किस चीज की विशेषता है जिसके कारण से मुझे ऐसा देखने में आ रहा है समझ आ रहा है क्या होता है अः देव सामने खड़े हुए देवों को देख कर के पहले तो सहसा विस्मित हो जाता है विचार करता है और फिर यह देखता है कि ये सब मुझे ही देख रहे हैं ये सब मेरी ही प्रशंसा में खड़े हैं ये सब मेरे लिए ही हाथ जोड़ रहे हैं ये सब मेरे ही गुणगान कर रहे हैं ये सब मेरे लिए ही कह रहे हैं कि हाँ आप बहुत प्रशंसनीय हैं आप बहुत चतुर हैं आप बहुत चिरकाल तक जीवित रहने वाले हैं आपका कल्याण हो आपके लिए शुभ हो आपके लिए मंगल हो इतनी हमेशा हमेशा प्रीति का भाव रखने वाले ये देव लोग हमारे लिए इतने स्वागत में क्यों खड़े हैं समझ आ रहा है कल्पना कर सकते हो आप अपने लिए हैं घर में बैठ कर के? हैं आपकी श्रीमती भी अगर थोड़ी आपकी सेवा कर दे तो उस दिन आपको लगता होगा सूरज कहाँ से उतर गया हो गया? <laughs> जहां पर हमेशा सुख की खान इस तरीके की बनी रहती है और वह देव सोचता है ये कौन सा देश है कौन सा प्रांत है कौन सा जिला है कौन सा यह होटल है कौन सा यह किला है कौन सा यह बंगला है जहां पर मैं आकर के ये बैठा हूँ और अनेक प्रकार की संपदायें जो हमें यहाँ पर दिख रही हैं नृत्यों को करने वाली तरह तरह की विलासना को बढ़ाने वाली अनेक प्रकार की विलासनी स्त्रियां यहां पर दिख रही हैं ऐसा वह देव विचार करता है तभी उसी समय पर अनेक उस देव के जो मंत्री होते हैं है ना जो उस देव के और दूसरे सहायक सेवक के रूप में देव होते हैं वो सब आकर के उनके अभिप्राय को समझ करके ये बात चल रही है सौधर्म इंद्र के रूप में जो उत्पन्न हुआ देव है उसकी समझ आ रहा है तो वहां आकर के वो देव कहते हैं और जो दूसरे परिचर चर्या में लगे रहने वाले देव होते हैं वो कहते हैं हुजूर स्वामी आप प्रसन्न होइए ये सब आपके ही स्वागत में खड़े हैं ये सब आपके ही प्रशंसा में खड़े हैं और आप इन सबके वचनों को सुनकर के प्रसन्न होकर के इन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए इनके लिए आप अपना आज्ञा दीजिए इन पर अपनी मेहरबानी बरसाइए ऐसी प्रशंसा के वचनों से उस देव का वहां पर जन्म होने के साथ ही स्वागत होने लग जाता है क्या सुन रहे हो सौधर्म इंद्र इसलिए बड़ा इंद्र कहलाता है और जब वहां पर उस सौधर्म स्वर्ग में उसका जन्म होता है तो स्वर्ग की जितनी भी पवित्र क्रियाएं होती हैं वहां पर भी जन्म के समय की वो सब क्रियाएं अन्य देव उस देव के साथ में करते हैं और वह देव कहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया हम धन्य हो गए जो आप यहां पर उत्पन्न हुए हे नाथ आप प्रसन्न होइए आप हमेशा चिरंजीवी रहें आपके लिए जो आपका ये पुण्य है यही आपको पवित्र करने वाला है आप इस पूरे स्वर्ग लोक के स्वामी हैं यह सौधर्म नाम का महास्वर्ग है सैकड़ों हजारों लाखों देवों से पूजित है और सब प्रकार के देव आपके इस कल्याण को आपके मंगल को बढ़ाने के लिए ही आपके समक्ष प्रस्तुत हैं ऐसा यह सौधर्म नाम का जो देव है जो इंद्र है वही आप इंद्र के रूप में यहां पर उत्पन्न हुए हैं और इस इंद्र का ही ये देव परम उत्सव परम आनंद मनाने के लिए यहां पर खड़े हैं हे देव यहां पर निरंतर सुख ही सुख रहता है आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें स्वर्ग के विमान में जहां तक आपकी दृष्टि जाए समझो ये आपका ही साम्राज्य जो कुछ भी यहां आपको दिखाई दे समझो ये सब आपकी मालकियत में है समझ आ रहा है? यहां किसी को आपके लिए कोई पट्ट बांधने की जरूरत नहीं है कि आप इसके मालिक हैं आप स्वयं यहां पर मालिक होकर के ही उत्पन्न हुए हैं हम आपका इंतजार कर रहे थे ये देवों की मंडली ये देवों की सभा ये सब आपके चरणों में नम्री भूत है ये अप्सराएं ये सब आपके आनंद के लिए खड़ी हुई हैं ये चारों ओर देखो रत्नों की बापियां हैं ये क्रीड़ा करने के लिए अनेक तरह की नदियां बह रही हैं ये पर्वत हैं ये सभा भवन हैं अनेक प्रकार के इन सभाओं में सिंहासन बने हुए हैं चारों ओर आपके समक्ष पुष्प वृष्टि करने के लिए देव खड़े हुए हैं चमर ढोलने के लिए देव खड़े हुए हैं आपके ऊपर छत्र लगाने के लिए देव खड़े हुए हैं अनेक तरह की शोभा जो आज आपके लिए प्राप्त यहां पर हो रही है यह सब आपके ही विजय की ध्वजाए हैं विजय की पताकाएं हैं जो चारों ओर लहरा रही हैं, आप आनंद के साथ में इसको स्वीकार करिए सुन रहे हो अचानक से इतना वैभव कभी आपको स्वप्न में भी मिल जाए है ना तो सुबह फूले नहीं समाओगे है ना अगर आपकी नींद खुल जाए सुबह और अगर कहीं किसी व्यक्ति के माध्यम से आपकी नींद खुल जाए तो आप उसके ऊपर टूट पड़ोगे तूने मेरा स्वप्न क्यों भंग कर दिया कम से कम स्वप्न का ही आनंद लेने देता समझ आ रहा है इस तरह के विचार इस तरह के प्रवचन अगर आप रात को सोने से पहले भी सुन करके सोएं तो हो सकता है कि आपको कुछ अच्छे विचार अच्छे स्वप्न में भी कम से कम आप देव बन जाएं और देव में भी आपको सुख मिल जाए कुछ क्या समझ आ रहा है यानी स्वप्न में भी यदि आपको कभी इस तरीके के सुखों की अनुभूति हो जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है और यह अनुभूति आपको तभी हो सकती है जब आप इस तरीके का चिंतन करें और चिंतन तभी हो सकता है जब आप सुने और सुनना तभी हो सकता है जब आप इस तरीके के ही विचारों से अपने आप को सुनने का मन बना करके रखें इसलिए जो यहां बताया जा रहा है वह सब वहां का जो वर्णन है अब आप सोचो किसी के सौंदर्य का वर्णन हम शब्दों में कहां तक कर सकते हैं। फिर भी आचार्यों ने करने की कितनी कोशिश की है समझ आ रहा है कि वह वर्णन पूरा नहीं हो पा रहा है चारों ओर वहां पर इस तरीके का वातावरण बना हुआ है कि उस नए देव के रूप में जन्म लिए हुए वह देवता जो इंद्र के रूप में वहां जन्म लिया है उसके चरणों में चारों ओर देव और देवियां समर्पित हैं और वहां पर उसकी कुछ पट्ट देवियां होती हैं कुछ अग्र देवियां होती हैं अलग अलग तरीके की देवियां होती हैं वो सब देवियां वहां पर खड़ी हुई हैं सब तरीके की सेनाएं खड़ी हुई हैं और सब वहां पर बस प्रार्थना पूर्वक नमस्कार कर रही हैं उस नए देव के लिए समझ आ रहा है समझो इसको कहते हैं जन्म का उत्सव समझ आ रहा है जब आप देवों के लिए इतना सुन रहे हो तो तीर्थंकरों ने कि कितना होता है आप सोच सकते हो जिस देव के लिए इतना उत्सव हो रहा है वही देव जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो वही देव उनके चरणों में आकर के उनके लिए बैठता है और वही देव अपनी सारी मंडली ले आकर के उन तीर्थंकरों की सेवा में लग जाता है तीर्थंकर बालक की सेवा में लग जाता है समझ आ रहा है तो पुण्य का अतिशय एक से एक बढ़कर के है अब यह जो पुण्य का अतिशय है अनेक प्रकार की जो संपदाएं और सुख वहां पर दिखाई दे रहे हैं वह इंद्र उस समय पर अपने अवधि ज्ञान से युक्त होकर के वहां का सारा वृत्तांत जानने की कोशिश करता है और वह जो इंद्र के रूप में जन्म लिया है वह खुद सोचने लग जाता है कि अब मैं वास्तव में देखू वास्तव में जानूं कि यह वास्तविक स्थिति क्या है तो वो क्या करता है अपने अवधि ज्ञान से विचार करता है फिर उसे अपने अवधि ज्ञान में क्या दिखाई देता है ये सुनने की बात है सुन लो थोड़ा कष्ट सह लो सुन रहे हो हाँ थोड़ा कष्ट सह करके अभी धर्म कर लोगे ना तो बाद में बहुत सुख मिलेगा है ना यहाँ तो अभी पंखे के लिए परेशान हो गए बाद में आपको ऐसा सुख मिलेगा कि पंखा चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी समझ आ रहा है तो वहां पर वह इंद्र अपने अवधि ज्ञान से क्या विचार करता है देखो मैंने पूर्व में दूसरों के द्वारा जैसे आचरण नहीं किया जा सकता वैसा मैंने आचरण किया नहीं समझ रहे हो जब तो कोई दूसरा वैसा आचरण कर नहीं सकते थे दूसरे लोग कहते थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो इतना तप क्यों कर रहे हो इतनी त्याग क्यों कर रहे हो तो ऐसा तप ऐसा त्याग किया जो उस समय पर अनेक लोग नहीं कर सकते लेकिन मैंने वह आचरण किया और उस समय पर वह आचरण करने में दुख भी हुआ क्लेश भी हुआ समझ आ रहा है लेकिन वह आचरण हमने स्वाधीन होकर के किया हुँ? जो कष्ट यहां पर हम धर्म के नाम पर थोड़ा सा अगर कष्ट भी सहलेंगे तो वही कष्ट हमारे लिए आगे जितने भी आने वाले हमारे और पाप कर्म होते हैं उन सबको दबा करके उन सब पे भारी पड़ेगा और वही हमारे लिए पुण्य कर्म के रूप में सामने आता है समझ आ रहा है ये भीतरी सिद्धांत जब आपको समझ में आएगा तब पता पड़ेगा कि ये पुण्य के वैभव कैसे मिलते हैं तो वह इंद्र वहां अवधि ज्ञान से सोचता है मैंने ऐसा तप धारण किया मैंने अनेक जीवों की सहायता की अभय दान दिया मैंने विशुद्धि पूर्वक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप ऐसी इन चार आराधनाओं में अपना जीवन लगाया मैंने पूर्व में इंद्रियों के विषयों को छोड़ा था समझ आ रहा है? किसी भी इंद्री के विषय पर मेरा ध्यान नहीं गया मैंने पूर्व में अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाले कामरूपी शत्रु को जीता था मैंने अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाली कसाय रूपी सारी वृक्षों को काट दिया था और मैंने अपने अंदर उत्पन्न होने वाले राग रूपी शत्रु को दबा करके उसे पीड़ित किया था माने मैंने राग नहीं किया कसाएं नहीं की इंद्रियों के विषयों में लुप्त नहीं हुआ आज मैं उसी का यह प्रभाव देख रहा हूं उसी आचरण के कारण से मैं आज दुर्गतियों से बच करके क्या समझ आ रहा है नरक में नहीं गया त्रियंश नहीं बना अनेक प्रकार के मनुष्यों में भी ऐसी दुर्गतियां होती हैं उन मनुष्यों में भी नहीं बना और आज मैं यहाँ पर स्वर्ग के राज्य में स्थापित हो गया हूँ मुझे इस स्वर्ग के राज्य में स्थापित करने वाला कोई ब्रह्मा नहीं कोई ईश्वर नहीं है मैं खुद अपने ही कर्म से और वह कर्म हमें किससे मिला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की आराधना करने से मिला समझ आ रहा है सम्यक दर्शन ज्ञान आदि ये चार प्रकार के जो हमारे लिए चीजें बताई जाती हैं यही हमारे लिए धर्म है यही हमारे लिए पुण्य है और इसी के माध्यम से जो पुण्य अर्जित होता है उस पुण्य से ही ये अतिशयकारी फल मिला करते हैं आचार्य संवंतभद्र महाराज ने रत्नक श्रावकाचार में श्रावकों के लिए लिखा है कि जो श्रावक सम्यक दर्शन पूर्वक पांच अड़ुव्रतों का पालन करते हैं वो देवों की इन रिद्धियों को प्राप्त होते हैं और वह देवों की इन सब समृद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं जो यहां पे बताया जा रहा है इतने करने मात्र से क्या समझ आ रहा है सम्यक दर्शन पूर्वक पांच अड़ुव्रतों का पालन करना इतना भी अगर आप कर पाए तो भी बहुत है समझ आ रहा है देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के साथ में अपने जीव तत्व की श्रद्धा के साथ में हमेशा मोक्ष की भावना रखते हुए जो सम्यक दर्शन पूर्वक अहिंसा आदि पांच अड़ुव्रतों का भी हम पालन करने का अपना संकल्प लेते हैं तो उस पांच अड़ुव्रतों के प्रभाव से भी सुरों में देवों में उत्पत्ति होती है और वह जीव कभी दुर्गति का पात्र नहीं बनता है और जब बड़े बड़े तप किए जाएं आचरण किए जाएं तो फिर कहना ही किया समझ आ रहा है कई लोग बड़ी जल्दी कह देते हैं महाराज जाना तो आपको भी स्वर्गीय है और जाना तो हमें भी स्वर्गीय नहीं समझ आ रहा क्योंकि पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं तो इतना कष्ट सहने से क्या होगा क्यों ये तरह तरह के नियम क्यों तरह तरह की तपस्याएं क्यों तरह तरह के त्याग समझ आ रहा है वह तप त्याग नियम भी यदि पूर्वक है समझ आ रहा है किसी स्वर्ग की संपदा के लिए नहीं है अपनी इच्छा से अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए हैं तो वह तप त्याग भी भले ही आपको स्वर्ग मिले लेकिन स्वर्गों में भी समझ आ रहा है एक देव वह है जो हाथ जोड़ करके खड़ा है और एक देव वह जो सिंहासन पर बैठा है दोनों अंतर है कि नहीं नहीं समझ आ रहा दोनों अंतर है, है कि नहीं एक देव वह है जिसके सिंहासन पर बैठने पर सब देव उसके सामने नम्री हो रहे हैं वो भी देव हैं। और एक वह भी देव है जो सिंहासन पर बैठा है जिसके चारों ओर देव हाथ जोड़ करके खड़े हैं और चमर ढो रहे हैं वो भी देव है समझ आ रहा है तो देव देव में भी अंतर होता है, है ना कह तो देते बहुत जल्दी लोग हैं चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो जाएगा समझ आ रहा है घर में बैठे बैठे भी सम्यक दृष्टि देवी देव बनता है व्रत ले लोगे तो भी देवी बनोगे करना क्या है देव बनकर के ही जब यहां से मुक्ति मिलनी है देव ही बनना है सबको मोक्ष तो होना नहीं तो क्यों बिना वजह व्रत लिए जाए क्यों बिना वजह प्रतिमा धारण की जाए क्यों बिना वजह संयम धारण किया जाए समझ आ रहा है ऐसे सोचने वाले कभी अच्छे देव तो इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि उन्हें अभी सम्यक चारित्र की महिमा का ही ज्ञान नहीं है तो जैसे सम्यक चारित्र की महिमा का ज्ञान नहीं है उसे सम्यक दर्शन भी नहीं है समझ आ रहा है सम्यक दृष्टि जीव के अंदर तो चारित्र को धारण करने की बहुत बड़ी तड़फ होती है सम्यक दृष्टि जीव तो जब बन जाता है तो उसे आत्मा का हित होने के बाद में वो प्रमादी नहीं बनता कि मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया अब मुझे कुछ नहीं करना है ये सूचना तो अज्ञानी लोगों का काम है ये तो भ्रम की बातें हैं जो तो उनकी बातें जिनमें सम्यक दर्शन है नहीं लेकिन अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं वास्तव में जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो सम्यक दृष्टि को सम्यक चारित्र ही अच्छा लगता है चारित्रवान व्यक्तियों की शरण में रहता है चारित्र की पूजा करता है और चारित्र को प्राप्त करने के लिए लालायत रहता है यह सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है इसलिए आप अपने मन में मत सोच लेना कि घर में बैठे बैठे हमें भी सम्यक दर्शन हो गया तो हम भी देव बन जाएंगे अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शास्त्रों में लिखा है सम्यक दृष्टि जीव का उत्पत्ति कहीं और होती ही नहीं है देवों के अलावा समझ आ रहा है तो लोग अपने मन में ही शास्त्रों को पढ़ करके खुश हो लेते हैं समझ आ रहा है ऐसा लगता है शायद गालिब खुश होने के लिए ख्याल अच्छा है <laughs> समझ आ रहा है तो यही स्थिति कुछ ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों की बन रही है तो ऐसा ना सोच करके हमेशा आपको यह सोचना है कि कल्याण वास्तव में किससे होता है जिसके अंदर सम्यक दर्शन होगा वह सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के प्रति हमेशा विनयवान होगा और उसको प्राप्त करने की इच्छा रखेगा यह सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण बताए गए हैं अन्य ग्रंथों में भी तो हमेशा ध्यान रखने की बात इसलिए ऐसे सम्यक चारित्र से हम यहां पर उत्पन्न हुए जो सम्यक चारित्र दूसरों के लिए सुलभ नहीं था जिसे पालन करना दूसरों के लिए बड़ा कठिन होता था हमने उसका पालन किया ये हमारे उसी सम्यक दर्शन की योग्यता है यह हमारे उसी सम्यक चारित्र की योग्यता है इस कारण से आज मुझे इस कल्याणकारी श्रेष्ठ स्थान पर मेरा जन्म हुआ है आज मैं सबसे पहले अब यहां क्या करूंगा कितना कठिन चारित्र का पालन किया वहां पर तो सब इंद्रियों के विषयों से दूर रहा और यहां पर सब इंद्रियों के विषय भी विषय है क्या समझ आ रहा है वहां पर तो राग को मिटाता रहा और यहां पर राग का अंबार लगा हुआ है क्या समझ आ रहा है ये क्या हो गया अब क्या कर सकता हूं मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं अब मुझे क्या करना है तो वह इंद्र वहां पर विचार करता है अब यहां पर मैं सम्यक चारित्र का पालन तो कर नहीं सकता अब मैं यहां पर अगर कुछ कर सकता हूं तो केवल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की आराधना कर सकता हूं और मैं अपने सम्यक दर्शन को बनाए रख सकता हूं और वह सम्यक दर्शन भी तभी बना रहेगा जब मैं जिनेन्द्र भगवान की सर्वज्ञ देव की पूजा करूंगा तो ही मेरा सम्यक दर्शन बना रहेगा ये इंद्र को भी वहां पर ख्याल में रहता है समझ आ रहा है जो मुनि बनकर के हमेशा अपने ज्ञान स्वभाव में लीन रहते थे उन्हें भी वहां पर अब सम्यक दर्शन की रक्षा करने के लिए जिनेन्द्र भगवान की शरण में जाना पड़ता क्योंकि चौथे गुणस्थान में ज्ञान स्वभाव होता ही नहीं है समझ आ रहा है केवल ज्ञान स्वभाव का आपको ज्ञान हो गया कि चौथे गुड़स्थान में हाँ ज्ञान स्वभावी आत्मा है लेकिन ज्ञान स्वभाव में लीन होना स्थिर होना ज्ञान स्वभाव का रस लेना ज्ञान आनंद में लीन होना ये तो तपस्या के माध्यम से इंद्रिय विषयों से दूर होकर के जो योगी अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं उन्हीं के लिए उपलब्ध होता है लेकिन ऐसी ज्ञान की आत्म ज्ञान की आराधना करने के बावजूद भी सम्यक दर्शन की रक्षा करने के लिए उस देव को वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है जिनेन्द्र भगवान की पूजा के अलावा दर्शन के अलावा अब यहाँ पर और कोई उपाय सम्यक दर्शन की रक्षा करने का है ही नहीं समझ आ रहा है? घर में बैठ कर के समझ आ रहा है आत्मज्ञान आत्मज्ञान करने वालों घर में बैठ के कभी आत्मज्ञान नहीं होता घर में बैठ के परमात्मा का ज्ञान करो जिनके परमात्म जिन परमात्मा ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया उनकी पूजा करो तभी सम्यक दर्शन होगा समझ आ रहा है सम्यक दर्शन कभी ज्ञान स्वभाव में कितना ही आप लीन होने की कोशिश करो आपसे कुछ नहीं बनेगा भगवान की पूजा करने से ही आपका सम्यक दर्शन रहेगा और चौथे गुणस्थान में इसके अलावा कुछ आप करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए वह मुश्किल होगा आप अगर ये सोच करके बैठो कि भगवान की पूजा क्या करना हमें तो अपने आत्मा की पूजा करना आत्मा का जीव राजा की हमें अपने शरण में जाना तो आप सोच तो लोगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे क्योंकि आपके लिए मन और इंद्री के विषय जब तक जीतने में नहीं आएंगे तब तक आत्मा की ध्यान की तरफ आपकी प्रगति हो ही नहीं सकती इसलिए क्या करना पड़ता है जो राग में रंग में डूबे हुए होते हैं उन्हें हमेशा अरिहंतों की पंच परमिष्ठी की ही शरण में रहना होता है वह इंद्र भी वहां पर सोच रहा है अब मैं क्या करूं तो वह सोचता है सबसे पहले इन लोगों को तो बाद में देखूंगा इनकी सेवा भक्ति में मोहित नहीं होना है जिसकी आराधना से जिसके सम्यक दर्शन के भाव से जिस सम्यक दर्शन के निमित्त कारण से मुझे सब कुछ मिला है मुझे सबसे पहले उन सर्वज्ञ देव के पास जाना है तो वह तत्पश्चात क्या करता है वह देव सब जगह विचरण करते हुए सबसे पहले वहाँ पर उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर जिनेन्द्र भगवान के स्थान बने हुए होते हैं और वहां पर जाकर के वह भगवान की आराधना पूजा करता है उसके बाद में वह वहां की संपत्तियों पर नज़र डालता है और उसका वहां पर एक राजा का जैसे राज्यभिषेक किया जाता है ऐसे ही अन्य देवों के द्वारा उसे देव के उस इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है विधिवत जब वह वहां पर इस तरह की प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है तब तो वह वहां पर रहने वाले अन्य अनेक देवों के साथ में अपना आनंद के साथ में जीवन व्यतीत करने का फिर मन बनाता है लेकिन धर्म को कभी भी नहीं छोड़ता समझ आ रहा है? धर्म क्या है सम्यक दर्शन समझ आ रहा है? और यह सम्यक दर्शन अगर धर्म रहेगा तो देव गति में भी वह देवों के वैभवों में भी लुप्त नहीं होगा क्योंकि उसे मालूम है ये तो सब मेरे किए हुए सम्यक चारित्र का फल है अब यहाँ पर उस सम्यक चारित्र की तो आराधना में नहीं कर सकता इसलिए मुझे क्या करना तो सम्यक दर्शन को बनाए रखना तो सम्यक दर्शन की रक्षा करने के लिए वह हमेशा समूह शरण में जाता है गुरुओं के दर्शन करता है निर्ग्रंथ मुनियों की आराधना करता है और हमेशा पंच परमिष्टि के शरण में रह करके वहां पर भी वह अपना सम्यक दर्शन बनाए रखता है सुन रहे हो गृहस्थ लोगों अपना दिमाग ठिकाने पर रखना ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना समय सार पढ़ पढ़ करके पागल नहीं होना आचार्यों ने कहा है गृहस्थों के लिए पंच गुरु चरण शरणा आचार्य समन्तभद्र महाराज के वाक्य हैं। पंच गुरुओं के चरणों की शरण में रहोगे तो ही सम्यक दर्शन रहेगा अन्य कुछ भी आप अपने दिमाग में भ्रांतियां पालोगे तो ये सम्यक दर्शन की जो योग्यता मिली है वो भी चली जाएगी समझ आ रहा है? मूल पहले मजबूत बनाओ मूल जब मजबूत होगा तब आगे आपके लिए शिखर की चूल की बात होगी समझ आ रहा है? समय सार में जो बातें हैं वो शिखर की हैं चूल की बातें हैं उन्हें आप मूल की मत समझो अगर आप उसे मूल की बात समझोगे तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी मूल की बात रत्नकरण श्राप का चार में दी गई है परमार्थ स्वरूप जो देव शास्त्र गुरु हैं उनका श्रद्धान करना उनकी शरण को ही शरण मानना यही हमारे लिए सम्यक दर्शनी मूल है पहले इसको मजबूत बनाओ तब आप चूल पर चढ़ने की कोशिश करना समझ आ रहा है तो ज्ञान हमें मूल से चूल तक का मिला है लेकिन हमें इतनी अकल होनी चाहिए कि हम जो ज्ञान ले रहे हैं अभी हमारा मूल मजबूत नहीं है और हम चूल का ज्ञान ले रहे हैं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे समझ आ रहा है? अभी हमारी जड़ें ही नहीं है कुछ भी और हम शिखर को पकड़ने की बातें कर रहे हैं है ना तो ऐसी बातें करने वाले बातें तो कर लेंगे लेकिन उपलब्ध कुछ नहीं होगा उपलब्धि के तरीके होते हैं जिस लाइन से जिस तरीके से चला जाता है उस तरीके से ही चलते हुए हम किसी चीज को उपलब्ध हो सकते हैं इसलिए सभी गृहस्थ श्रावकों को पंच गुरु चरण शरणा ये आचार्य संवंतभद्र महाराज के रत्न श्राव चार के जो वाक्य हैं, इन्हें सूत्र वाक्य मान करके अपने गांठ बांध करके अपने पास में रख लेना चाहिए समझ आ रहा है पंच गुरु के चरण में शरण में रहने वाला ही दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा को धारण करने वाला होता है ऐसा लिखा है इसलिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इन्हीं की शरण से आगे बढ़ना होगा और जब ऐसी शरण बढ़ते बढ़ते आपके अंदर ज्ञान बढ़ता चला जाएगा तो आपको वह समय सार की भावना भी आएगी लेकिन वह भावना आपके अंदर तभी आएगी जब आप कहीं कुछ अपने आचरण में मजबूत खड़े हों यह प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के साथ ही हमेशा धर्म ध्यान श्रावकों के लिए कराया जाता है तो श्रावक लोग ये समझ लें कि इंद्र भी देव भी चौथे गुणस्थान वाले जीव भी स्वर्गों में भी रहकर के सम्यक दर्शन की आराधना कैसे करते हैं यूं नहीं करते हैं मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ समझ आ रहा है वो तो हूं हूं कहने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन वह ज्ञानानंद का भी आनंद उन्हें किसके सामने आता है जब वह ज्ञानानंद में लीन जिने भगवान के सामने खड़े होते हैं समझ आ रहा है तब उन्हें वो भाव आता है जय वीत राग विज्ञानपुर जय मोहत मेरे हरण सूर जय ज्ञान अनंतानंत धार द्रग सुख वीरज मंडित अपार समझ आ रहा है उनको देख कर के ही हमें भाव आता है जय हो आपकी जो आपके पास में है ये आपका पास में जो है वो अद्भुत है ये उन्हें देख कर के याद आता है कि मैं भी ऐसा हो सकता हूं मेरे पास भी ये है समझ आ रहा है तो ऐसा भी तब आता है जब हम भगवान की महिमा करते हैं इसलिए हमेशा सर्वज्ञ देव की महिमा जो हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं उन्हीं के लिए सम्यक दर्शन बना रहता है वे स्वर्ग के देव मन के समान वेग वाले विमान के द्वारा सुन रहे हो क्या लिखा है उनके पास कैसे विमान मिलते हैं मन के समान वेग वाले विमान होते हैं क्या समझ आ रहा है मन का वेग क्या होता है मैं गया नंदीश्वर द्वीप पहुंच ही गया नहीं समझ आ रहा है मैं जाना है स्वयं समुद्र में पहुंच ही गया ये नहीं है कि अब चलना शुरू किया तो फटफट 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 करते 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 तीन घंटे में पहुंचूंगा समझ आ रहा है हवाई जहाज जहाज तो कहीं नहीं लगते ये सब तो बच्चों के खिलौने हैं हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सबरे समझ आ रहा है ना ऐसे देवों के विमान होते सोचा और पाया बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए उसका नाम है सुख हाँ, ये पहले भी आपको बता चुका हूं समझ आ रहा है मुझे जाना है नंदन वन में बस पहुंच ही गया हाँ अब सोचना नहीं है कि नंदन वन में जाने के लिए मुझे तैयार होना है मेरा विमान लाओ बैठो चलो स्टार्ट करो समझ आ रहा है तेल है कि नहीं देख लो उसमें ये सब तो बच्चों वाली बात है समझ आ रहा है नंदन वन संकल्प किया इसको बोलते संकल्प सुख समझ आ रहा है मानसिक सुख इसी को बोलते हैं संकल्प किया और सामने खड़ा मन में विचार किया और चीज सामने उपलब्ध है समझ आ रहा है ऐसे सुख मिलने चाहिए तब तो कुछ संसार के सुख भी सुख कहलाएंगे अब आपको पता ही नहीं होगा ऐसे सुख भी होते हैं तो जो मिल रहा है उन्हीं में गीदड़ की तड़ है। <laughs> लिपटे हैं तो ऐसे विमानों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वन पर्वत और समुद्रों पर कीड़ा करते रहते हैं संकल्प करते ही उन्हें नाना प्रकार के दिव्य मनोवर भोग मिल जाते हैं देव और देवियों की सेनाएं उनके सामने खड़ी हो जाती हैं और अपने ही महाप्रभाव से युक्त महाविभूति से युक्त स्वर्गों के सुख रूपी समुद्र में निमग्न रहते रहते उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि कितना समय बीत गया समझ आ रहा है कहीं तर तो, तो अब उन्हें वहां पर कोई काम नहीं है कोई बिजनेस नहीं समझ आ रहा है सिर्फ यही है दुनिया घूमो क्योंकि वो सौधर्म आदि निचले स्वर्गों के देव हैं तो खूब घूमते हैं समझ आ रहा है उनके लिए भी जो सुख है इंद्रियों के सुख सब मिलते हैं मानसिक सुख सब मिलते हैं और वहां तक बताया गया है कि जैसे यहां मनुष्य स्त्रियों के साथ सुख भोगते हैं वैसे ही वहां पर देवी देवियों के साथ सुख भोगते हैं निचले स्वर्गों में समझ आ रहा है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में सुख भोगने के तरीके भी बदलते चले जाते हैं फिर वहां पर देवियों के शरीर का आलिंगन नहीं करना पड़ता ऊपर के शरीर स्वर्गों में केवल उनका रूप देख करके उनके शब्द सुन करके केवल उनका मन में स्मरण करके बस सुखी हो जाते हैं ये अलग अलग तरीके के उनके सुखों की वृद्धि इस रूप में हो जाती है कि उन्हें घूमना फिरना भी कम होने लग जाता है तड़फना भी कम हो जाता है और सब तरीके की जो उनकी जो विलासताएं हैं वो एक अलग स्टैंडर्ड में ढल जाती हैं उसका नाम है उनके इंद्री के सुखों की वृद्धि होना समझ आ रहा है तो जब आप देवों के बारे में विशेष रूप से तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय को सुने है ना ये सब आपको पहले जो हमने सूत्र पढ़ाए हैं उसकी भी कैसेटें आपको आपके ही मोबाइलों पे मिल जाएंगी और वो सब पड़े हुए हैं उनको अगर आप सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि देवों के सुख भी कितने प्रकार के होते हैं वहां पर जितने भी उनके पास में भोग इत्यादि सामग्रियां मिलती हैं उस सब उन्हें कल्प वृक्षों से प्राप्त होती हैं दस प्रकार के कल्प वृक्ष उनके लिए सदैव तत्पर रहते हैं सब प्रकार के सुख देने के लिए सुन रहे हो दस प्रकार के कल्प वृक्ष जानते हो है ना उन्हें दस प्रकार के भोग कहते हैं एक मध्य जाति के कल्प वृक्ष होते हैं समझ आ रहा है जो कुछ भी जिससे कि हमारा मन है ना मूर्छित हो मन जो है मधोश हो ऐसे भी वहां पर पान दिए जाते हैं जिसके माध्यम से वह मध्य जाति के वृक्षों से वह इस तरीके का भी आनंद लेते हैं वादित्र जाति के वृक्षों से वहां वादित्र सब प्रकार के यंत्र मिलते हैं जो गाने बजाने के काम में आते हैं ग्रह जाति के होते हैं उनसे घर घर मिलते हैं ज्योतिष जाति के होते हैं उनसे सब प्रकार की लाइटें मिलती हैं भूषण जाति के होते हैं उनसे सब प्रकार की ज्वेलरी मिलती है भोजन जाति के जो होते हैं उनसे सब प्रकार की फूड और सब प्रकार के डिश बनते हैं है <laughs> ना माला जाति के वृक्ष होते हैं उनसे सब प्रकार के है ना मालाएं आवरण पुष्प सुगंधित आदि सब चीजें मिलती हैं दीपक जाति के वृक्ष होते हैं उनसे सब प्रकार के प्रकाश है ना और नेत्रों को आनंद देने वाले तरह तरह की लाइटिंग मिलती है वस्त्र जाति के जो होते हैं उन्हें सब प्रकार के कपड़े और इत्यादि पहनने के लिए सब मिलते हैं और पात्र जाति के भी वृक्ष होते हैं जिनसे सब प्रकार के बर्तन इत्यादियों की भी प्राप्ति होती है ऐसे दस प्रकार के कल्प वृक्ष स्वर्ग में होते हैं और उससे वह दशांग भोग भोगते हैं उन स्वर्गों में स्वर्गवासियों को जो सुख है उसका वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है स्वयं आचार्य शुभचंद्र महाराज भी अब अपनी लेखनी को विराम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा सुख जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आतंक नहीं रोग नहीं और समस्त इंद्रियों को हमेशा तृप्त करने वाला जो सुख है वह सुख उन देवों को ही प्राप्त होता है उस सुख का वर्णन कौन कर सकता है उस सुख को वर्णन करने के लिए मेरी कलम भी अब आगे नहीं बढ़ पा रही है समझ आ रहा है हम भी अब चुप होने वाले हैं आपका टाइम हो रहा है, है? सौधर्म स्वर्ग से लेकर के अच्युत स्वर्ग पर्यंत जो कर स्वर्गों के जो कल्प हैं उनके ऊपर भी नौ ग्रह व्यमान वासी देव होते हैं उन्हें कहते हैं कल्पातीत देव है ना जो सोलह स्वर्ग तक के देव कहलाएंगे वो कहलाएंगे कल्पवासी और सोलह स्वर्ग के ऊपर जो होते हैं नौवे ग्रहेक और नौ अनुत्तर आदि अनुदेश और उत्तर आदि ये कल्पातीत देव कहलाते हैं इन देवों को अहमिंद्र देव के नाम से कहा जाता है और ये अहमिंद्र जो होते हैं सभी काम वासना से रहित होते हैं। समझ आ रहा है कल भी आपको बताया था ये अहमिंद्रों के पास में देवियां नहीं होती इन्हें देवियों के माध्यम से कोई मानसिक सुख प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रह जाती मतलब आत्मा में इतनी विशुद्धि भी आ जाती है लेश्या इतनी शुभ्र हो जाती है कि अगर आपके मन के भाव इतने उज्ज्वल हो जाएं, तो आपके अंदर काम वासना भी ना रहे और उसके बिना जो सुख मिलेगा वो सुख बड़ा अद्भुत होता है समझ आ रहा है ये भी आपको देवों के वर्णन पढ़ने से समझ में आएगा कि देव होकर के भी बिना देवियों के बिना इंद्रियों की वासना के बिना मन के अंदर इंद्रियों के विषयों की तृप्ति किए हुए वह देव अपने आप में सुखी रहते हैं वो अहमिंद्र देव इन कल्पवासी देवों से कई गुना सुखी होते हैं यह उनके सुख का भी वर्णन शास्त्रों में किया जाता है तो ऐसे ऊपर ऊपर के देवों के सुख हमेशा निरंतर बढ़े हुए होते हैं नवग्रहवेग विमानों से ऊपर जो पंच और नव अनुदेश विमान पंच अनुत्तर विमान होते हैं और उन पंच अनुत्तर विमानों में रहने वाले जो देव होते हैं उनके लिए तो ऐसा नियम होता है कि वह अगले जन्म में मनुष्य ही बनेंगे और मनुष्य बनकर के नियम से मोक्ष ही प्राप्त करेंगे समझ आ रहा है ऐसे उन सर्वोत्कृष्ट विमानों में जन्म लेने वाले देव नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं जैसे आदिनाथ भगवान भरत बाहुबली आदि ये सभी सर्वार्थ सिद्धि पंचनोत्तर विमानों में बीच का जो विमान कहलाता सर्वार्थ सिद्धि वहीं से चय करके आए थे और ये सभी आत्माएं अगले जन्म में मोक्ष को प्राप्त हुए उससे पिछले जन्म में वह मुनि महाराज थे जब तपस्या करके इस तरह की सर्वार सिद्धि में देव बने हैं तो इस तरह से यह आचरण चलता है तभी जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है संसार के भी सभी सुख मिलते हैं और मोक्ष का आत्मिक सुख भी मिलता है किनको जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आचरण निरंतर करते जाते हैं ऐसे इन कल्पों में और कल्पातीत विमानों में हमेशा देवों की लेश्याएं शुभ रहती हैं लेकिन शुभ में भी अधिक अधिक होती हैं उनकी आयु अधिक अधिक होती चली जाती है ज्ञान अवधि ज्ञान आदि उनका शरीर का प्रमाण तो ऊपर ऊपर कम होता है लेकिन ये सब सुख की चीज़ें ऊपर ऊपर बढ़ती हुई होती हैं इस तरह से ये अनुत्तर विमानों के ऊपर जाकर के जो शाश्वत मोक्ष का स्थान है जिसे सिद्धशिला कहते हैं वह मोक्ष का स्थान कहां पर है अब आप देवों में नहीं बैठे हो देवों से भी ऊपर आपको विचार करना है क्योंकि आप संस्थान बेचे धर्म ध्यान कर रहे हो लोक का विचार कर रहे हो तो लोक के सबसे ऊपरी भाग पर सिद्धों के सिर टच करते हैं समझ आ रहा है और जहां सिद्धों का सिर टच कर जाता है समझ लो वो लोक का लास्ट स्थान है जो मैंने आपको बताया था कि लोक की रचना लोक का आकार और उस लोक के चारों ओर जो तीन बात बलय होते हैं उनमें भी तीनों वात वलयों में जो अंतिम तनु बात वलय है उस तनु बात वलय पर ही लोक का अंत हो जाता है और उस तनु बात वलय में ही सिद्धों के आत्मा के प्रदेश जो है सिर के भाग के सबसे ऊपरी भाग पर वहां पर उनके टच करते हैं और इस तरह से वह लोक के अग्र भाग पर रहने वाले सिद्ध होते हैं उन सिद्धों का ध्यान करो क्या समझ आ रहा है नरकों से यात्रा प्रारंभ कराई मध्य लोक में घुमाया मनुष्य और त्रियंशों को भी दिखाया द्वीप समुद्रों में भी घूम लिए आर्य और मलेक्षों को भी देख लिए देवों को भी देख लिए ज्योतिषी देवों को भी देख लिए मेरू पर्वत के ऊपर फिर कल्पवासी कल्पातीत देव और उसके बाद में अब क्या देखना है लोक के अग्रभाग पर विद्यमान जो सिद्ध भगवान हैं कर्मबंध से रहते हैं अपने ही ज्ञान आनंद में लीन हैं हमेशा कृतकृत्य क्रत हो चुके हैं जिन्हें अब कुछ भी करने का भाव बचा ही नहीं है सभी प्रकार के गुण जिनके अंदर प्रकट हो चुके हैं ऐसे अत्यंत अतीन्द्रीय ज्ञान अतीन्द्रीय सुख को धारण करने वाले हजारों सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशमान जिनकी आत्मा प्रकाशित है ऐसे वह भव्य आत्माएं जो केवल ज्ञान के ईश्वर हैं और सब प्रकार के सुखों से युक्त हैं अव्यावाद अनंत सुख जिनके अंदर हमेशा आनंद की हिलोरें लेता रहता है ऐसे उन सिद्ध भगवान में अपना ध्यान लगाओ इसका नाम है संस्थान विषय धर्म ध्यान समझ आ रहा है टिकना नहीं कहीं हाँ जैसे नरकों से निकलने की इच्छा होती है ऐसी स्वर्गों में भी टिक नहीं जाना क्या समझ आ रहा धर्म ध्यान करने वाला ध्यान रखता है मैं ध्यान कर रहा हूं देवियों का नहीं कर रहा हूं समझ आ रहा है संस्थान विचय ध्यान कर रहा हूं लोक का ध्यान कर रहा हूं स्वर्ग की रचना का ध्यान कर रहा हूं देवियों में मन नहीं लग जाए देवियां कितनी सुंदर हैं उनके हाव भाव विलास में मन लग गया समझ आ रहा है तो पता पड़ा कि संस्थान विचय धर्म ध्यान वहीं छूट गया <noise> <स्वर्ण area> इसलिए कहा जाता है कि गृहस्थ संस्थान विषय धर्म ध्यान नहीं कर पाता है समझ आ रहा है क्योंकि उसका मन कहीं ना कहीं चिपक जाएगा ऐसे संस्थान विषय धर्म ध्यान करने के लिए आपको कम से कम नॉलेज तो हो विचार तो हो और आप अपनी यथाशक्ति अनुसार कोशिश करें जितना आप चिंतन इस तरीके से करते चले जाएं और करते करते नरक से लेकर के आप कहां पहुंच जाएं, सिद्ध शिला तक पहुंच जाएं, समझ आ रहा है तब आपको जो सुख मिलेगा आह आज मैंने बड़ा निश्चिंत निर्विकल्प होकर के ये पूरे लोक की यात्रा कर ली अब आपके लिए जो आनंद मिलेगा भीतर से वही उस धर्म ध्यान का आनंद होगा समझ आ रहा विशुद्धि बढ़ेगी इस संस्थान विचय धर्म ध्यान से कर्मों की बहुत निर्जरा होती है ऐसा आचार्यों ने कहा है इस तरह से ये संस्थान धर्म ध्यान लोक के स्वरूप को जो इस प्रकार हमेशा है ना अब ये चौदह राजू है बहुत बड़ी सीमा है और यह हमेशा बना हुआ रहने वाला है इसको बनाने वाला कोई नहीं इस मिटाने वाला कोई नहीं ऐसे कर्ता और स्वामित्व बुद्धि से रहित होकर के इस लोक की रचना को अकृत्रिम रूप से जो देखता है जानता है उसकी बुद्धि निर्मल होती चली जाती है और आचार्य कहते हैं एक ना एक दिन उसे भी नियत मत मनति दूरम केवल ज्ञान राज्यम इस संस्थान विचय धर्म ध्यान के अंत में लिखा है उसके लिए केवल ज्ञान का राज्य बहुत दूर नहीं है जिसने ये संस्थान विचय धर्म ध्यान करके अपने मन को शुद्ध बनाया है सुन रहे हो यहाँ बैठे बैठे भी फ्री में सब मिल रहा है फ्री में हाँ फ्री में बैठ रहा है सब रिवडी हाँ धर्म ध्यान भी फ्री में बैठ रहा है धर्म ध्यान से उत्पन्न होने वाला जो आपको आगे केवल ज्ञान मिलेगा वो आपको मिलेगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा सब फ्री में बैठ रहा है भगवान की संपदा भगवान ने फ्री में बांटी है हम भी फ्री में बांट रहे हैं लेकिन ले तो लो भव्य भव्यात्माओं समझ आ रहा है ऐसे इस संस्थान विषय धर्म ध्यान से अपनी आत्मा को निर्मल बनाओ अपने अंदर अपनी आत्मिक गुणों की प्राप्ति करो यही हमारा लक्ष्य है बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय yeah.